दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेगासिन 475 mg कैप्सूल के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फ़ायदे और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके डोजेज क्या हैं और इसका प्राइस कितना है। साथ ही जानेंगे कि शुगर पेशेंट को ये दवा क्यों दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों प्रेगासिन फोर्ट कैप्सूल अलग अलग पावर में मिलती है, जैसे 25 mg, 50 mg, 75 mg या फिर इससे अधिक भी। आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रेगासिन फोर्ट 75 mg कैप्सूल की निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको जेनिटिवा फार्माक्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेगावालिन 75 mg होता है, मिथाइल कोबालामिन 750 mcg, एल्फा लिपोइक एसिड 100 mg, विटामिन B6 1.5 mg और फोलिक एसिड 1 mg होता है। अब हम लोग इसके फायदे और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रेगासिन फोर्ट कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन दवा है और इसका मेनली यूज न्यूरोपैथिक दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके समस्याओं और फायदे के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों न्यूरोपैथिक दर्द यानी नर्व्स का दर्द, ये शरीर के नसों के दर्द की एक समस्या होती है। कई बार ये अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन कई बार समस्या अधिक हो जाती है और ये लंबे समय तक परेशान करती है। कुछ लोगों में तो आधी रात को नसों का दर्द तेज़ हो जाता है। नसों में दर्द होने से आपको चुभन, झंझनाहट, हाथ पैरों में सूनापन, इसके अलावा पूरे दिन आपको जलन महसूस हो सकती है। दोस्तों नसों में दर्द यानी नर्व्स पेन तब होता है जब आपको गंभीर चोट लगा हो, नसों में खून की आपूर्ति सही से नहीं हो रही हो, ज़्यादा शराब पीने से स्ट्रोक आने के बाद, और जो सबसे इसका एक कॉमन कारण है वो है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज होने से धीरे धीरे न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का दर्द होने लगता है अगर शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तो। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को हमेशा अपने शुगर के लेवल को मेंटेन में रखना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर न्यूरोपैथिक दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस प्रेगासिन फोर्ट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर इसे मिर्गी और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इतने सारे इसके यूजेस थे, अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट है चक्कर आना, नींद आना, थकान होना, कब्ज होना और वजन का बढ़ना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आप में बने रहते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। दोस्तों ये दवा लंबे समय तक चलने वाली दवा है और लंबे समय तक चलने के कारण आपका वज़न बढ़ सकता है, इसलिए दवा के इस्तेमाल करने के साथ आपको अपने वजन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके डोज तो पेशेंट के उम्र, वजन, बीमारी की कंडीशन और कौन सी बीमारी है इस पर डिपेंड करता है और इसके डोज डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरली इसे सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन या नाश्ता करने के बाद एक गोली करके नॉर्मल वाटर के साथ लेना होता है। और अब हम लोग प्रेगासिन फोर्ट 75 mg कैप्सूल के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस ₹137 पर 10 कैप्सूल है। ये कैप्सूल आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल सकता है, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।